के एक गांव के लोग जो आगे बढ़ करके इस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से, इस मंच से उन सभी को धन्यवाद करता हूं जिनके ऊर्जा के कारण, उनकी सकारात्मक ऊर्जा के कारण भी हम इस कार्य को करने में सफल हो पाए हैं। तो जोरदार तालियां हैं इस गांव के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। ईदन सिंह जी और मांगी पटेल जी की तरफ से 5100 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है भंडारे के लिए। बने सिंह जी और प्यार सिंह जी की तरफ से 11000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है हमें भंडारे के लिए, उनका भी धन्यवाद है। तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अजत सिंह जी, दीवान जी और रति राम जी की तरफ से 5100 रुपए की धनराशि, सहयोग राशि प्राप्त हुई है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका धन्यवाद करेंगे। बाबू सरपंच जी की तरफ से 21000 रुपए की धनराशि भंडारे हेतु प्राप्त हुई है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका भी अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रेमराज हवलदार जी की तरफ से 5100 रुपए की धनराशि भंडारे के लिए प्राप्त हुई है, उनका भी हार्दिक धन्यवाद है, जोरदार तालियों के साथ में। राम प्रसाद जी की तरफ से 5100 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है हमें भंडारे है, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद है, जोरदार तालियों के साथ में। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाइयों। राम निवास जी की तरफ से भी 5100 रुपए की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है भंडारे के लिए, तालियां बजाइए उनके लिए भी। रामकरण जी ज्ञानी का बेड़ा से है, जिनकी तरफ से हमें 1100 रुपए की धनराशि भंडारे हेतु प्राप्त हुई है, उसका भी धन्यवाद है। राजेंद्र खटाना जी की तरफ से 2100 रुपए की धनराशि भंडारे हेतु हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। नवाब कम्मो पटेल जी की तरफ से 31000 रुपए की धनराशि हमें प्राप्त हुई है भंडारे के लिए, उनका एक बार धन्यवाद है। रामजी लाल भगत की तरफ से हमें 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, उनका भी हार्दिक धन्यवाद है, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। उदयभान सरपंच जी, जो पूर्व सरपंच हैं यहाँ के, कंपोर्टर जी और गोविंद राम जी की तरफ से 11000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जोरदार तालियों के साथ में धन्यवाद करेंगे। हरी
श्री तुर्शी जी, नादान जी और मोहन जी की तरफ से संयुक्त रूप से 11,000 रुपए की धनराशि भंडारी के लिए दी गई है, जिसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और समय सिंह भूपियापुरा की तरफ से 500 रुपए की धनराशि भंडारी हेतु प्राप्त किए हैं हमने, जिसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां पूरे 30 सेकंड तक बजाते रहेंगे इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पर हमें सहयोग किया और इस भव्य आयोजन को यहाँ पर पूरी तरीके से हमें सजाने के लिए, संवारने के लिए हमें एक ऊर्जा दी, उसके लिए सभी का धन्यवाद करेंगे जोरदार तालियों के साथ में। यहाँ पर एक नाम और आया है मेरे पास, श्रीचंद नवलापुरा से, इनकी तरफ से 500 रुपए की धनराशि भंडारे हेतु हमें मिली है, जिनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आज कुछ वक्त है बापू जी के आने में, तो इसलिए ये सारी अनाउंसमेंट मैं एक साथ ही कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा वक्त लेकर के, तो ओपी भैया कोई दिक्कत तो नहीं, तो थोड़ा सा वक्त और सुनेंगे जब तक बापू जी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में हम श्री राम कथा सुनेंगे उनके मुखारविंद से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकाल महारुद्र विशाल जी महाराज जब यहाँ पर आए थे तो उस समय यहाँ की क्या कंडीशंस थी, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनके तप से यहाँ पर एक ये जो माहौल आपके सामने बन करके आया है, ये उनके तप का और भगवान भोलेनाथ की कृपा ही है जो कि यहाँ पर बरस रही है। तो एक बार हम महाराज जी को भी तालियों के साथ में धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की है, और साथ ही साथ उनको हर प्रकार से सहयोग करने के लिए, इस आयोजन को पूर्ण रूपेण यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के लिए जो सहयोग दिया है वह हमारे नैनी प्रयाग से श्री रमेश चंद नेगी जी, ज्योति फैब्रिकेटर्स की तरफ से जो भी उन्होंने सहयोग किया है उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियों की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए उनके सभी सहयोगों के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सहयोग आप सब गांव वालों का है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं अभी, उन सभी लोगों का सहयोग है जिसकी वजह से यह सभी चीजें संभव हो पाई हैं, हमें ऊर्जा मिल पाई है और हम दिल्ली से खिंचे हुए यहाँ पर चले आए आप सभी के बीच में और इस प्रकार के आयोजन में आपसे कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ दे पा रहे हैं। तो एक बार सभी के लिए, हम सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और एक बार जोरदार जयकारा भी लगाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम जयकारा लगाएंगे हमारे प्रभु श्री राम का, तो एक बार जोर से बोलेंगे सभी लोग जय श्री राम, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे यहाँ पर जो हनुमान दास जी महाराज है उनके लिए जयकारा लगाएंगे, हनुमान दास महाराज जी की जय, हनुमान दास महाराज जी की जय, हनुमान दास जी महाराज की जय। यहाँ पर इस गांव की जो देवी है उन सभी देवियों को एक बार जयकारा लगाएंगे, हमारे गांव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक बार महाकाल बाबा की और महारुद्र महाकाल महाराज की एक बार जयकारा लगाएंगे, महारुद्र महाकाल महाराज जी की जय, महारुद्र महाकाल महाराज जी की जय, महारुद्र महाकाल महाराज जी की जय। इसी क्रम में यहाँ पर क्योंकि महाराज जी के और भोले बाबा की कृपा से जो यहाँ पर एक छोटा सा के लिए जिस प्रकार से जो विचारधारा हमारे महाराज जी की है वो विचारधारा आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, वह यहाँ पर एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनाना चाहते हैं जिस आध्यात्मिक केंद्र के अंदर में देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए, आपके बीच में आए और आप लोगों की सेवा ले करके जा करके बाहर के देशों में भी आपके गुणगान करें। उसी में हमारे बीच में यहाँ पर अमेरिका से आई हुई तरु माता जी भी हैं, एक बार मैं तरु माता जी से आग्रह करूंगा कि वहीं पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी दर्शन कर सकें आपका। एक बार जोरदार तालियां तरु माता जी के लिए, ये श्री राम कथा सुनने के लिए यहाँ पर अमेरिका से चली आई, बताइए कितना भाव है इनके अंदर में कथा को लेकर के, बापू जी को लेकर के, वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इनसे कुछ सीखना चाहिए हम सभी को भी अपने अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और घरों से बाहर निकल करके इस पंडाल के अंदर में आकर के श्री राम कथा को सुनना चाहिए और साथ ही साथ महाराज जी के जो विजन्स हैं, जो उनकी उन्होंने चीजें सोच करके रखी है इस गांव के लोगों के लिए, इस जगह के लिए, उनको पूरा करने के लिए उनके साथ पीछे खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करेंगे ना सभी, हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा करके बताएंगे कि करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे
तो बिल्कुल निश्चित रूप से महाराज जी का सहयोग करेंगे। महाराज जी यहाँ पर एक भव्य विशाल मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, यहाँ पर एक आध्यात्मिक योग पीठ केंद्र बनाना चाहते हैं, जहां पर देश विदेश के लोग आए और यहाँ पर उन चीजों को, अध्यात्म के ज्ञान को लेकर के बाहर निकले और देश विदेश में जाकर के गुणगान करें। और किसका गुणगान होगा? वो आप सभी गांव वाले लोगों का होगा, गांव का होगा। गांव नवलापुरा, नवलापुरा की पहचान दुनिया के पटल पर इतनी विशाल हो जाएगी कि आपका नाम, आपके गाँव का नाम दुनिया में बोला जाएगा, दुनिया में कहा जाएगा कि गाँव नवलापुरा है। वहां पर एक विशाल भगवान महाकाल का मंदिर है, जहां से हम अभी दर्शन करके आए हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए जो आप लोगों का सहयोग मिल रहा है शुरुआती दिनों से, पहले दिन से ही, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद है। और जो जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली हमारे साथ में, हमारे साथ बढ़ करके, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। कुछ नाम और है हमारे पास में जिन्होंने मंदिर निर्माण हेतु हमें सहयोग दिया है और आकांक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि और भी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेंगे ताकि यहाँ पर एक विशाल मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ सहयोग राशि मंदिर निर्माण हेतु भी आई है, वो भी मैं नाम यहाँ पर अनाउंस करना चाहूंगा आप सभी की इजाजत हो तो। श्री रोशन ड्राइवर जी नवलापुरा से है, जिन्होंने 1100 रुपए की दान दिए है हमको मंदिर निर्माण हेतु। रामसीम दलुआ जी हैं गुनैनी गांव से, जिन्होंने 1000 रुपए दिया है। हरबंश लाल शर्मा जी बयाना से हैं, जिन्होंने 1100 रुपए की दक्षिणा दान दिया है हमको। रामेंद्र गांव सूता से हैं, जिन्होंने 551 रुपए की राशि दी है, सहयोग राशि दी है। श्री विजय अग्रवाल जी है, जिन्होंने 501 रुपए दिया है। श्री प्रहलाद जी ने 1100 रुपए का सहयोग राशि दिया है मंदिर निर्माण हेतु। श्री रूपे पटेल ज्ञानी जी ने 1100 रुपए की सहयोग राशि मंदिर निर्माण हेतु दी है। श्री रूप सिंह मास्टर जी ने 1100 रुपए की राशि मंदिर निर्माण हेतु हमें दी है। श्री संत राम पुत्र श्री विजेंद्र जी ने 1100 रुपए की राशि हमें मंदिर निर्माण हेतु दी है। श्री रतिराम मास्टर जी ने 1100 रुपए की राशि मंदिर निर्माण हेतु दी है। श्री जोमदार पटेल जी ने 1100 रुपए, श्री जैसी राम जी ने 1100 रुपए, श्री अदर सिंह पुत्र नवचरण सिंह जी ने 1100 रुपए, श्री ईदन सिंह जी ने 1100 रुपए, श्री प्रेम प्यार सिंह जी ने 1100 रुपए, श्री प्रेमराज होलदार जी ने 1100 रुपए, श्री देशराज पुत्र श्री मोहर सिंह पटेल जी ने 1100 रुपए, श्री ओमा पंडित बयाना ने 1100 रुपए, श्री निर्भय जी नवलापुरा से 1100 रुपए, श्री सौदान गुनेनी से 550 रुपए, पंडित श्री बाबूलाल जी महंत श्री बिहारी जी मंदिर बयाना से 1100 रुपए, लक्ष्मण जी नावली वाले 500 रुपए। यह सहयोग राशि हमें मंदिर निर्माण हेतु यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो एक बार इन सभी का जोरदार तालियों के साथ में हम धन्यवाद करेंगे। अब यहाँ पर पुनः हम भजन के माध्यम से यहाँ पर भाव विभोर होंगे और खुल करके जिसको नृत्य करना है, जिसको नाचना है, वो खड़े होकर के अपने स्थान पर नाचेंगे और इस माहौल को ऐसा भक्तिमय माहौल बना देंगे कि स्वयं भगवान महाकाल यहाँ पर आकर के विराजित हो जाएं। इस प्रकार का कुछ माहौल बनाएंगे और इसके लिए मुझे मालूम है कि हमारे जो यहाँ पर कलाकार बैठे हुए हैं वो सक्षम हैं और उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां पुनः इन सभी कलाकारों के लिए, इस मंच के लिए। धन्यवाद। हेलो ना इराक ना पाकिस्तान में आशिकाने मुस्तफा बसते हैं तो केवल हिंदुस्तान में। जय हो। एक से बोलो भारत माता की जय हो। और केशरिया बालम जय हो। ये धरती धोराड़ी राजस्थान की मिट्टी और राजस्थान में एक कार्यक्रम हो और ये गीत अगर ना गाया जाए तो थोड़ा सा अधूरापन महसूस हो रहा है। केशरिया शरीर
ही व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। एक समय महाराष्ट्र की बात है, साक्षात एक जाट था, बुढ़ा था, वो अपनी बच्ची से कह रहा था कि बेटा मैं बाहर के लिए जा रहा हूं, आप भगवान के लिए भोग लगाया करो। तो अगर वो बच्ची श्याम को प्यारा भोजन भगवान श्री कृष्ण का लेकर जाती है और मूर्ति के सामने कहती है, हे कन्हैया आप भोजन करिए, वो बच्ची जानती थी कि साक्षात भगवान भोजन ही करते हैं, छोटी लड़की थी। अब वो मूर्ति के भोजन करे पर हट पड़ जाती है वो लड़की, किस प्रकार, अरे अरे थाली भर के लाई रखी चिड़ो, अरे थाली भर के लाई रखी चिड़ो, ऊपर घी की बाट की, जे मुमारा श्याम धनी जे मावे हो बेटी जाट की।
भोजन कर लीजिए। अरे तुझे मैं तोर पाछे रे जे पड़ेगा। देखिए बंधुओं किस प्रकार प्रेम के प्यासे हैं भगवान। ये हमारा कन्हैया शर्मिंदा तो नहीं हो रहा है। अरे पर तो कर बोर भूल गई मैं, पर तो फेर लगायो जी तावरिया की वोट बैठ के श्याम की चिड़ो खायो।
सभी को अवगत करावे अपनी समस्या का हल बताएं पूरन जी नेता महाराज की जय परम पिता परमेश्वर की जय आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र हम सभी के सभी लोग अपने स्थान पर विराजित हो जाएंगे। सर पूज्य बापू जी व्यास जी पर विराजमान हो चुके हैं। सभी लोग शांति का परिचय देते हुए अपने स्थान पर विराजित हो जाएं।
सर्वप्रथम पूज्य बापू जी द्वारा रामायण जी व हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन, उसके बाद माल्यार्पण आरती। मैं पूज्य विशाल जी महाराज जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, पूज्य बापू जी का तिलक माल्यार्पण कर करें। आगे की सूचना आपको विवेक भाई जी देंगे। धन्यवाद मुख्य भैया। पूज्य बापू जी का स्वागत है, सम्मान है। परम पूज्य रुद्रनाथ महाकाल विशाल जी महाराज इस समय पूज्य बापू जी का तिलक लगा करके और मालार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा हमारी माता जी श्रीमती ललिता जोशी जी से कि कृपया मंच पर आ जाएं। मैं प्रार्थना करूँ कि कृपया मंच पर आ जाइए। ललित सियती आरत श्री रामायण जी भक्ति ललित सियती आरत श्री रामायण जी निवेदन है कि आरती को पूज्य बापू जी के मुख से
मंगलमय कथा का हम सभी श्रवण पान करेंगे। अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें पूज्य श्री बापू। Thank you.
Yeah.
Yeah.
से पाशी आज कथा षष्ठी दिवस में प्रवेश कर रही है। आज की विराम में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का फिर से एक बार मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और भगवान भोलेनाथ की श्री मन कुंभा से यह कथा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही है। भगवान भोलेनाथ के ही अनन्य प्रेमी और अनन्य भक्त हमारे श्री विशाल जी महाराज, जिनकी अथक श्रद्धा और परिश्रम के कारण इस पर्वत वादियों में ये कथा सुलभ हो पाई, ऐसे ही आपके क्षेत्र के बड़े ही श्रद्धावान और बड़े ही भजनानंद पूज्य श्री विशाल जी महाराज, जिन्होंने पूरे क्षेत्र पर अपनी करुणा करते हुए यहां रहना स्वीकारा, वरना तो यहां कौन साधु रुकने वाला है। हा? दिन में भी डर लगे यहां पर, ये तो कथा हो रही है इसलिए इतना चहल पहल और इतना आनंद लग रहा है, वरना तो दिन में भी आने में डर जाया। खासकर इसके पहले वाला जो गांव है और वहां से ये जो बीच में जंगल आता है, इधर तो लगेगा कि अब दुनिया ही खत्म है। इधर मुझे पहले दिन ऐसा लग रहा था कि लगता है कहां ले जा रहे हैं, इधर तो कुछ होगा ही नहीं, और यहां आकर के तो ऐसा लगता है कि बस अब इस पहाड़ के बाद दुनिया खत्म, बस यही अंत है लाल। लेकिन मानना पड़ेगा श्री विशाल जी महाराज को, जिन्होंने इतनी करुणा बरसाई इस क्षेत्र पर, जो यहां रहना स्वीकार किया और इस आत्म कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ को विराजमान किया, और आप लोगों को इतनी सारी कथा सुनने का अवसर दिया। तो वही देखो, साधु संकल्प लेता है, साधु के पास अपना तो कुछ होता नहीं है, एक धोती नीचे उड़े और एक धोती ऊपर उड़े, बस और क्या होता है, एक धोती होती है, कमंडल होता है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई बिजनेस है, न कोई व्यापार है, संकल्प लिया कि मुझे ऐसा करना है। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि साधु के संकल्प में हम भी सहभागी बन जाएं और इस विशाल, इस अनहद जो परमात्मा का नाद बह रहा है, उसमें हम भी साथी बनकर उसका आनंद ले। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, आप सभी जानते हो, लेकिन आपने चित्र में देखा होगा कि ग्वाल वालों ने भी अपनी अपनी लकड़ियां लगाई हुई। अब आप सोचो, क्या पर्वत ग्वाल वालों की लकड़ियों से टिका है? नहीं, कहीं आके उंगली से टिका, लेकिन फिर भी ग्वाल वालों ने अपनी लकड़ियां लगाई हुई। मानो ये कहना चाहते हैं कि गोविंद, मुझे पता है सब करने कराने वाले तो आप ही हैं, लेकिन आपके साथ हम भी खड़े रहकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए हम अपनी अपनी लकड़ियां लगाकर खड़े। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा आयोजन और इतना बड़ा संकल्प जो विशाल जी महाराज ने लिया है, हो जाएगा, नो डाउट। पूरी प्रकृति साधु के साथ होती है, पूरा ये आसमान, पूरा परमात्मा साधु के संकल्प में साथ होता है, लेकिन ऐसा न हो कि बाद में हम पछताएं कि उस वक्त हम भी महाराज के साथ क्यों नहीं रहे। इसलिए अभी भी वक्त है मेरे भाई बहन, सारा क्षेत्र एक साथ जुड़कर जब इतना अच्छा कार्य हो रहा है, भगवान भोलेनाथ विराजमान ही हो गए हैं, तो अब उनकी सेवा में हम सभी को तत्पर होना चाहिए, और आने वाले समय में
आप लोगों को ये संकल्पवान होना चाहिए कि केवल ये क्षेत्र के लोग ही नहीं, नवलापुरा के लोग ही नहीं, बयाना और भरतपुर के लोग ही नहीं, हिंडौन और गंगापुर के ही लोग नहीं, बल्कि आने वाले समय में पूरे भारत और पूरे विश्व के लोग यहाँ भगवान कैलाश पर दर्शन करने के लिए तैयार हैं। ऐसा सुंदर ताली बजाए हो तो लगता है आपके भी उत्साह। हाँ, मेरी बात मानोगे ना आप लोग? कौन कौन माने कि हाँ? तो है सभी लोग उठाए हैं। हाँ, मैंने फोटो खींच लिया है सबका। और व्यास पीढ़ी गाऊं? चलो दो लाइन। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया भजन नहीं है कि आप कहो मुझे तो याद ही नहीं। वो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मैंने गाने के लिए कहा था, रोने के लिए नहीं सुनाई तो पड़े। तब तक सभी नहीं गाओगे ना, तब सोच लो क्या करना। चाहते हो कथा आगे बढ़े तो सब गाओ, कंजूसी नहीं। जो वादा किया जो नहीं गाते हो उसको बगल वाले की कसम है। अब तो देखना भी बगल में कोई न गा रहा हो तो जरा ध्यान देना। बगैर कसम के आप लोग नहीं मानते हो, पहले भी नहीं दे देता। रो के जमाना चाहे रो के खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा निभाना पड़ेगा। तो महाकाल की सेवा में सबको तत्पर रहना है, सबको संकल्पित होना है, समर्पित होना है, क्योंकि उनकी ही करुणा के कारण इतना सुंदर आयोजन हो पाया है। और देखो भाई, संत हमारे क्षेत्र में रहते हैं ना, तो हमारा लेते कुछ नहीं है लेकिन हमें देते बहुत कुछ है। साधना करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो एक साधु के तप का प्रभाव पूरे क्षेत्र के लाए, इसलिए हम सभी लोग श्रद्धावान बने। जहां जनकपुर की धरा पर हम लोगों ने कल विवाह का दर्शन किया, भगवान राम ने धनुष भंग किया और सियादु से नाता जोड़ा। आध्यात्मिक पक्ष में जरा इसका हम दर्शन करें। सीतादि भक्ति है, प्रभु राम ब्रह्म है और जनक जी यह जीव है। मतलब यह हुआ कि हम सभी जीव का अहंकार यही धनुष है। तो जब तक ये धनुष रूपी अहंकार गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक हमारी भक्ति भगवान को समर्पित न हो पाएगी। इसलिए चाहते हो कि तुम्हारी भक्ति भगवान को समर्पित हो,
तो अपने अहंकार को मिटा। अहंकार यानी मैं, और मजे की बात देखो, ये मैं लौकिक भी होता है और कई बार आध्यात्मिक भी होता है। अब जैसे किसी ने बहुत धन एकत्र कर लिया तो धन का अभिमान हो जाता है, और कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा कि बहुत ज्यादा दान कर देते हैं ना, तब भी बड़े अकड़ में रहते हैं कि मेरे जैसा कोई भामाशाह नहीं, मेरे जैसा कोई दानी नहीं है। तो वही रोग ना, चाहे इकट्ठा करके रोग आया चाहे त्याग कर आया, केंद्र में धन है। कई लोग धन एकत्र करके अभिमानी हो जाते हैं और कई लोग धन छोड़कर अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन अभिमान अभिमान है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, पिंजरा लोहे का हो या सोने का हो, पिंजरा तो पिंजरा, अभिमान तो अभिमान है ना। कैसा भी अभिमान हमारी भक्ति को भगवान को समर्पित होने में बाधा, चाहे लोभ का अभिमान हो चाहे त्याग का अभिमान हो, कोई न कोई अभिमान हम सब में पड़ा होता है, और बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान भी हमारे भीतर होते हैं। जब तक ये अहंकार नहीं करते हैं प्यारे, तब तक तुम्हारी भक्ति भगवान को समर्पित नहीं होती। अब कई लोग 20 साल से भगवान की माला जपते हैं तो उनको उसी में अभिमान हो गया कि पता है 20 साल हो गए मुझे भजन करते। अहंकार के कोई ना कोई कारण हम खोज लेते हैं। जब तक ये अहंकार है तब तक भक्ति भगवान को समर्पित न होगी, इसलिए और संत जन हमेशा अहंकार पर प्रहार करते हैं। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, संत से मिलने जाओ तो वहां शर्त ही यही है अभिमान छोड़ो। संत जन अभिमान बर्दाश्त नहीं करते, और इसी कारण विश्वामित्र महाराज ने आदेश दे दिया, उठहू राम भंज हूं बचा में
बड़े बुजुर्ग लोग एक बात की कानाफूसी करने लगे, कानों में कुछ बोलने लगे एक दूसरे से। बात ये हो रही थी कि भाई देखो, दशरथ जी के चारों बेटे एक ही साथ जन्मे हैं, एक ही साथ पढ़ाई किए हैं, एक ही साथ बड़े हुए हैं, एक ही साथ सारे संस्कार हुए हैं, तो क्यों ना शादी भी एक साथ ही हो जाए। ऐसी बातें हो रही है दशरथ जी के पक्ष में। और इधर जनक जी के यहां भी सीता जी के अलावा तीन बेटियां और हैं, उर्मिला मांडवी शुक्रती, दो उसमें जनक की बेटी हैं और दो उनके बड़े भाई कुशध्वज की बेटी हैं, लेकिन रहती हैं चारों सीता जी के साथ जनक महाराज के पास। वहां भी सीता जी को जो तीन बहनें और हैं ना, मांडवी शुक्रती उर्मिला, ये तीनों सीता जी को छेड़ रही थी, सीता जी को छेड़ रही कि बस अब शादी हो रही है ना, जा ससुराल फिर पता चलेगा, घर में तो बड़ी होने का धौंस दिखाती रही ना कि मैं बड़ी बहन हूं, अब जा ससुराल, सास के डांट खाने पड़ेंगे ना तब पता चलेगा। तो सीता जी मन ही मन हंस रही है कि तुम तीनों क्यों चिंता करती हो, मैं अकेली थोड़ी जाने वाली हूं, देखना तुम तीनों को भी साथ लेकर जाऊंगी। और वही हुआ, दशरथ जी ने और जनक जी ने आपस में बातें कर ली कि महाराज आपके तीन बेटे कुमारे हैं, हमारे यहाँ भी तीन बेटियां कुमारी हैं, क्यों ना इसी मंडप में उन चारों का भी ब्याह कर लिया जाए। दोनों पक्ष में बात बन गई, दशरथ जी बहुत खुश हुए कि हे राजन, आपकी संस्कारित बेटियां हमारे घर पुत्र वधु बनकर आए, ये तो मेरा सौभाग्य है। जनक महाराज ने भी कहा, हे राजन, रघुवंश जैसा पावन वंश मेरी बेटियों को और कहां मिल सकता है। दोनों पक्ष में बात बन गई और बाबा तुलसी कहते हैं, जस रघुवीर प्यार दीदी बन जस रघुवीर शत्रुघ्न के साथ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ संपन्न हुआ। और फिर विवाह के बाद सभी ने बड़े प्यार से भोजन किया। शिव जी की जब शादी हुई ना तो वहां भोजन पहले हो गया था विवाह से पहले, लेकिन राम जी की शादी में विवाह के बाद भोजन हुआ। उसका कारण था, शिव जी के साथ भूत प्रेत गए थे ना, हिमालय वालों ने सोचा होगा कि भाई भूत प्रेतों को कब भूख लगी, क्या भरोसा, और भूख लगी कहीं लोगों को ही पकड़ के खाने लगे तो, इसलिए पहले उनको भोजन करा दिया था। तो भूतों को पहले भोजन कराया गया। अब राम जी की शादी में तो सभी देवतागण आए हैं, इसलिए यहां पूरी मर्यादा में शादी हो रही है। जब यहां भोजन की सारी तैयारी हो गई तब जनक महाराज ने दशरथ जी को बुलावा भेजा, तो चारों गृह सरकार और महाराज दशरथ, गुरुदेव वशिष्ठ और नगर के वरिष्ठ जन जो बारात में गए हैं, सब लोग बारातियों के साथ आने लगे विवाह के बाद भोजनशाला की ओर।
परत पावरे बसना नू पावरे। जब भगवान राम आ रहे हैं ना भोजन करने के लिए, तब पावड़े भी छाए गए हैं, उनके चरण जमीन पर न पड़े इसलिए पावड़े बिछाए गए। और वो वस्त्र कैसे हैं? बाबा तुलसी कहते हैं अनुपमेय, जिनकी उपमा नहीं हो सकती। परत पावड़े वसन को नहीं पसंद आएगा।
जैसा देव हो वैसी उसकी सेवा होती है। तो यथारोग्य सभी को वासन दिया गया, पर इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कई लोग बहुत बुरा मान जाते कि देखो हमको ऐसे स्थान पर रखा, उसको ऐसे स्थान पर रखा। नहीं, अपनी योग्यता को पहचान कर आनंदित रहो। तुम किस योग्य हो, तुम्हारी योग्यता अनुसार परमात्मा व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं संसार में भी जो हमसे आगे बढ़ा हो उसको देखकर जलो मत, बल्कि प्रसन्न हो कि हो सकता है परमात्मा की नजर में वो व्यक्ति हमसे ज्यादा योग्य हो। तुम जितना योग्य थे परमात्मा ने तुम्हें योग्यता अनुसार दिया है। प्रसन्न होना चाहिए। दस देवता दस चाहिए। हर क्षेत्र में मैं देखता हूं लोग बड़ी ईर्ष्या करते, बहुत जलन करते हैं। कोई आगे बढ़ता है ना, बड़े जलन करते हैं। कोई हमसे अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया तो हमको बड़ी जलन होती, बड़ी पीड़ा होती। तुम जहां हो अपने भाव में तुम आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। यथा योग्य पीढ़न बैठा, परमात्मा यथा योग्य तुमको आसन दिया है। तुम जिस योग्य थे परमात्मा ने आसन दिया है, सबको ऐसा आसन दिया गया। और सबके सामने भोजन की थाल आई, बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन है, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन है। पंच कवल करी जीवन लागे, पंच कवल करके पांच कवल निकाल करके पितरों के नाम, अतिथियों के नाम, इष्ट देव के नाम पंच कवल निकाल, भगवान को स्मरण करके हरि ओम परमात्मा को अर्पित करते हुए पंच कमल कर जीवन लगा भोजन शुरू किया लेना। बाबा तुलसी कहते हैं ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन है एक एक विधि वरणी न जाए। ऐसे ऐसे व्यंजन जो लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना था खाने में वो व्यंजन है। और देखो जब भोजन इंसान करने बैठता है तो बीच में परसने वाले भी आते हैं ना, पूड़ी ले आऊं, लड्डू ले आऊं, दाल ले आऊं, खीर ले आऊं, परसने वाले जो होते हैं। तो जनकपुर में जो परसने वाले हैं इतने भाव से परस रहे हैं वो भोजन, बोलने में उनके फूल झड़ रहा है, ऐसा मीठा बोल रहे हैं ना परसने वाले। जिसको दो ही पूरी खानी थी ना वो दो पूरी और एक्स्ट्रा खा रहा, उनकी बातों को सुनकर उनके भाव को देखकर। मना करने का मन ही नहीं हो रहा है कि चलो स्वास्थ्य बिगड़े तो बिगड़े, दो पूरी और खा दो। असल में भोजन परसना भी एक कला है, जैसे भोजन बनाना एक कला है ना, भोजन खिलाना भी एक कला है, भोजन परसना भी एक कला है। हर किसी को भोजन परसना कहाँ आता है, कई लोगों को बनाना नहीं आता और कई लोगों को खिलाना भी नहीं आता। कई कई लोग ऐसे कंजूस होते हैं खिलाने के मामले में, बड़े कंजूस, उनके सामने कोई चार पूरी खा ले ना आंख निकलती, बाप रे चार पूरी खा ले। इसलिए पांडवों के राजसूय यज्ञ में भीम को रसोईया बनाया गया, खिलाने पिलाने की जो जिम्मेदारी थी वो भीम को सौंपी गई, क्योंकि भीम खाते तो थे। उनके सामने कोई चार पूरी खाए, गदा लेकर बैठे रहते थे कि दस से कम खाया ना ये देख गदा, बहुत खिलाते थे, डराकर खिला दे। और यदि मैं जितना खिलाओ उतना हमारे यहां परमात्मा और भंडार है। मैं यहां देखता हूं शाम को प्रसाद बांटने वालों की क्या भीड़ होती है। एक दिन तो मैं दिख रहा था
ट्रैक्टर ट्राली पर केले। जैसे भगवान बड़ी बड़ी खेती तुम्हें देते हैं ना, ऐसे दिल भी दिया है भगवान ने तुम लोगों को। हाँ, अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, क्योंकि जितना खिलाओगे भगवान उतना तुमको दे देंगे। इसलिए जितना हो सके खिलाओ, जितना हो सके लुटाओ। यज्ञ चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। एक होता है हवन यज्ञ और एक होता है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूत को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधेगी। ये ज्ञान यज्ञ है क्या है? इस यज्ञ में जितना खिला सको, जितना लुटा सको, लुटाना चाहिए। तो भोजन तृष्णा भी एक कला है भैया। मैं राजस्थान में पहली बार बीकानेर में कथा करने गया, वहां किसी के घर में भोजन था। बहुत छोटी अवस्था थी हमारी, लगभग 14-15 साल की आयु थी। तो किसी के घर भोजन करने गया, मारवाड़ी परिवार। तो मुझे राजस्थान का सिस्टम पता नहीं था कैसे खिलाते हैं लोग। मैं तो वही साधुओं के बीच से आया था, साधु लोगों को एक बार ले लेना होता है, दोबारा उनको जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक बार थाली में जितना मुझे लेना था सब मैंने ले लिया। जब मैंने पूरा भोजन कर लिया तो एक माता जी हाथ में पूरी लेकर चली है। बेटे मारे हाथ से नहीं लेगा, मैं तो घर की बूढ़ी माता हूँ, एक मेरे हाथ से तो एक पूरी तो लेनी पड़ेगी ना। अब मैंने सोचा माता जी इतने भाव से लेकर आई हैं तो मैंने कहा दे दो माता। अब जैसे ही माता जी वाली पूरी खत्म हुई, माता जी की बेटी जी आ गई। बापू हमने क्या बिगाड़ा है आपका, माता जी के हाथ से ले लिया, मेरे हाथ से नहीं ले लिया। मैंने कहा बहना तू भी दे दे। अब वो सब ओवर हो रहा था, भर चुका था पहले। अब जैसे ही बेटी जी ने खिलाया तो बेटा जी भी चले आए। बापू आपने माताओं के हाथ से तो ले लिया, मेरे हाथ से तो लिया ही। अब खाते खाते कंडीशन ये हो गई कि अभी 5 लोग और लाइन में थे और फिर मुझे थाली उठाकर नीचे रखनी पड़ी। फिर पोड़िया इतने भाव से, कई लोग मना भी नहीं किया जा रहा था, इतने प्यार से मना करके खिलाने के जा रहे थे। कई बार भोजन खिलाने वाले बड़े उदार होते और कई बार भोजन कराने वाले इतने कंजूस होते हैं ना। कई कंजूस लोग, श्री राम जय राम जय फिर जो कोहबर में जाने का एक नियम है, एक रस्म है,
उसमें भगवान पधारते हैं। वह सारी विधियां पूरी की नहीं। धीरे 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 समय बीता। अब यहाँ दो मत है। कई संत ऐसा मानते हैं कि भगवान विवाह के बाद तुरंत चले आए थे, और कई कई संत ऐसा मानते हैं कि नहीं, भगवान 6 महीने रुके रहे थे विवाह के बाद। जो भी मत आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। विवाह पूर्ण हुआ और जैसा कि आप जानते हैं बेटे की विदाई बहुत कारण होती है। जनक जी नहीं चाहते थे कि दशरथ जी इतनी जल्दी हमारे यहां से जाए, भगवान इतनी जल्दी ना, लेकिन अभिषिक्त राजा के रहते उसका सिंहासन ज्यादा दिन खाली नहीं रहना चाहिए, वरना दोष लगता है। तब दशरथ जी ने जनक जी के ऊपर दबाव बनाया। जब भी विदाई मांगते थे रोज रोज कह देते थे कि आज नहीं कल विदा करेंगे। तब एक दिन संतों ने जाकर जनक महाराज को समझाया, हे राजन, आपके भाव को मैं वंदन कर रहा हूं, लेकिन आखिर ये क्यों भूल जा रहे हैं आप कि आप एक पुत्री के पिता हैं, आप एक बेटी के बाप हैं। आखिर कभी न कभी तो बेटियां घर छोड़कर जाती हैं, बेटियां तो पराई होती हैं राजा, और ये फिर दुनिया का दस्तूर है, यहां जो आए हैं उनको बिछड़ना ही होता है। हर मिलन के बाद विछोह निश्चित है, हर संयोग के बाद वियोग निश्चित है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का नियम है। इसलिए हे राजन जाने दो महाराज। और जब बहुत दबाव बनाया तब जनक जी ने दुखी मन से कह दिया कि ठीक है महाराज, मैं कल विदा करूंगा। और कल विदा करूंगा यह बात सुनते ही पूरा जनकपुर नगर उदास हो गया, सभी की आंखें नम हो गईं, सभी की आंख में अश्रु झरने लगे कि क्या कल प्रभु चले जाएंगे। आज पूरी रात लोगों को नींद नहीं आई, सो नहीं पाए। असल में भगवान से इतना प्रेम हो गया है जनकपुर वासियों को, विछोह बर्दाश्त करने की हालत में नहीं। पूरी रात कई लोग जागरूक रहे, रोते रहे, सूर्य देव को प्रार्थना करते रहे कि हे सूर्य, कल आप हमारे जनकपुर में उदित ही मत होना, क्योंकि तो आप उदित होंगे और हमारा नगर अंधेरा हो जाएगा, प्रभु चले जाएंगे हम सबको छोड़कर। लेकिन समय कहां इंतजार करता है। रात बीती, सुबह हुई, शहनाइयों में करुण स्वर छिड़े, ब्राह्मणों ने वेद घोष करना शुरू किया, माताएं विदाई गीत गाने लगी, चारों गहने विदाई वस्त्र पहनती हैं, डोलियां सजकर द्वार पर आ गई। कहां द्वार पर खड़े हुए और तब अपने कक्ष से चारों बहने विदाई के उस जोड़े में अपनी मां को प्रणाम करने डोली में बैठने से पूर्व, और आज अपनी बेटियों को इस प्रकार विदाई के वस्त्र में देखते ही मां सुनैना का हृदय फट गया, आंखों से अश्रुधार बह पड़ी, गले लगा करके मां सुनैना रोने लगी। जाओ बेटी, एक नारी का यही तो जीवन, आज से तुम्हारा घर ये नहीं रहा बेटी, आज से तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, अपना ख्याल रखना। और बेटी, तेरे पिता ने समाज में सदैव मस्तक उठाकर जीवन दिया है,
तेरे किसी दूर के कारण तेरे पिता को सिर झुकाना न पड़े। क्योंकि एक बेटी के ऊपर दो कुल का भार होता है, दो कुल की जिम्मेदारी होती है, एक उसके पिता का और एक उसके पति का। पुरुष ने यदि कोई गलत कदम उठा लिया तो केवल एक कुल पर दाग लगता है, उसके पिता के। लेकिन नारी के ऊपर दो कुलों की जिम्मेदारी होती है। नारी ने गलत कदम यदि बढ़ा दिया, कोई भूल हो जाए तो दो कुल बदनाम हो जाते हैं, उसके पिता का और उसके पति का। इसलिए नारी जाति पर परमात्मा ने विशेष जिम्मेदारी दी है। नारी दो दो ओर से नदी है, अपने पिता पक्ष से और अपने पति पक्ष से दो दो ओर से बंधी होती है। यही कारण है कि घर छोड़कर भागना माताओं के लिए आसान नहीं होता। पुरुष बड़ा स्वतंत्र होता है नारी की अपेक्षा, कहीं भी थोड़ा खटपट हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, भाग खड़ा होता है साधु बंदा का। लेकिन नारी को घर छोड़कर जाना बहुत कठिन है, क्योंकि दो दो कुलों की जिम्मेदारी है। अपने पिता को भी देखना है और उधर अपने पति के कुल को भी देखना है। दो दो ओर से बंधी है। यही सब सोच सोच कर मां सुनैना की आंख में अश्रु धार बह रहे। बेटी, ये मानव जीवन है, एक जैसा नहीं चलता है। बेटी, मानव जीवन बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे मोड़ जिंदगी में आते हैं। इतने ही मोड़ आए, कितने ही उतार चढ़ाव आए जीवन में, कैसी भी परिस्थिति आए, बेटी अपनी कुल की मर्यादा को बचाए। जैसे गंगा कई मोड़ से मुड़ती है लेकिन फिर भी गंगा की पावनता नहीं जाती, ऐसे ही जीवन में कैसे भी परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन की पवित्रता बरकरार रखियो। बेटी, सास ससुर की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, आज से तेरे पिता जनक नहीं, तेरे पिता महाराज अवधेश होंगे। आज से तेरी मां मैं नहीं हूं बेटी, आज से तेरी मां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सास ससुर गुरु सेवा रे, पति रुख लगी आय सुअनुसर, एकई धर्म एक व्रत ने Thank you.
जाओ बेटी। नारी के लिए एक ही धर्म सर्वोपरि है, पति की सेवा, पति का सम्मान, पति की इच्छा अनुरूप कदम बढ़ाना एक नारी का यही धर्म। और कहते हुए ध्वज पताकाएं सज गए हैं, निशान तैयार किए गए हैं, बाजे गाजे बजने लग गए हैं। सुमिरी गजानन की न पया, महल का एक एक कोना
सियादू की याद दिला रहा था। कोने को देखकर रहे मां सुने ना दहरी बता रही है कि महाराज रोइए मत, पुत्री के पिता हैं, संभालिए अपने आप को। सीता जी उस बारात में वापस आ रही हैं अवध की ओर। बीच बीच में महाराज दशरथ को और बारातियों को तकलीफ ना हो इसलिए बीच बीच में नदियों पर पुल बनाए गए हैं और रुकने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बीच बीच बरवास करी, बीच बीच बरवास करी, मंगलोगन सुख दे अवध समीप पुनी अवध समीप पुनीत दीन पहुँची आई दली। अयोध्या की सीमा में बारात आई और यहाँ अवधवासियों ने जय जयकार किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की बारिश होने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे, संगीत बजने लगे, मृदु ध्वनि होने लगी, दीपमालाएं सजने लगी, रंगोलियां बजाई बनाई जाने लगी और पूरा खुशी का माहौल अयोध्या नगरी में। जैसे ही वह महाराज अवधेश बारातियों के साथ प्रवेश करते हैं पूरा नगर आनंदित हो गया, नाच उठे सब। और कहते हैं तीनों महारानियां कौशल्य स्वागत के लिए जब चारों डोरियां आई हैं और चारों बेटियां उतरी हैं डोरियों से बाहर, तब तीनों माताओं ने आरती उतारी, तिलक लगाया और फिर दाहिना कदर प्रवेश किया। बहुत आनंद हुआ। जहां तहां बैठे हुए सब लोग जनकपुर की बातें कर रहे थे। जो नगर के लोग बाराती बनकर के गए थे वो तो सब विदा हो गए, लेकिन जो दूर दूर से आए हैं मेहमान उन सबको महाराज दशरथ ने रुकने की व्यवस्था की। महात्मा भी आए हैं, साधुजन भी आए हैं, उनके लिए भी विश्राम दिया, उनको भी रुकवाया और फिर सब व्यवस्थाएं करते करते शाम हो गई। आज सीता जी की प्रथम रात्रि है अयोध्या में। अपने घर को छोड़ करके पहली बार आज सियाजू ससुराल आई हैं। चारों बेटियों को चारों बहुओं को डर लग रहा है, कैसे होंगे सब, कैसा सबका स्वभाव होगा, कैसे विचारों के लोग होंगे, सोच रही हैं, संकोच हो रहा है, डर लग रहा है। तब दशरथ जी ने आकर के उन चारों बेटियों के पास बैठकर तीनों रानियों को भी बुला लिया, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को, और बेटियों को अच्छा लगे इसलिए जनकपुर की बातें शुरू कर दी। थोड़ा सुकून मिले, थोड़ी शांति मिले और इस तरह से बातें करते करते रात हो गई। भगवान राम भी विश्राम करने के लिए गए और माँ कौशल्या भगवान के कक्ष में आती है एक बात निवेदन करने के लिए। हे राघव, जब कभी ब्रह्मा जी से तुम्हारी मुलाकात हो ना तो ब्रह्मा से कहना। थे उसके बाद एक संत ऐसे थे जिनका जाने का मन नहीं हो रहा था। कौन है वो? विश्वामित्र चलन नीत राम।
चलते रहते हैं साधु, आज यहाँ कल वहां परसों वहां कभी वहां, हाँ यही साधु का जीवन। और देखो सरिता चलती भरी और साधु चलता भरा, सरिताएं की पवित्रता भी तभी तक बरकरार रहती है जब तक वो सरिता बहती रहती है। सरिता रुक जाए उसकी पवित्रता चली जाती है, साधु भी रुक जाए तो उसकी महिमा कम होने लगती है। इसलिए साधु भी चलते रहे, चलते रहना चाहिए साधु। जैसे सर्प अपना घर नहीं बनाता है ऐसे साधु जन भी चलते रहते हैं, जहां स्थान मिला वहां विश्राम कर लिया। साधु का जीवन बहुत तपस्वी जीवन होता है, क्या बहुत कठिन जीवन। आपको दूर से दिखाई देता है कि आह साधु लोग भी क्या मस्त रहते हैं, लेकिन इस मार्ग पर आकर देखो प्यारे बहुत कठिन रास्ता है। मैं तो 9 वर्ष की आयु से संतों के साथ ही रहा, मैंने देखी है बहुत कठिन जीवन है साधु। इसलिए संत जन आदरणीय पूजनीय है, दूर से दिखाई जरूर देता है कि बहुत आनंदमय जीवन होगा, लेकिन जब इस मार्ग पर आते हैं तब पता चलता है बहुत कठिन रास्ता है। फिर भी संत जन बहुत आनंद ले जाते हैं, बहुत मस्ती। आज विश्वामित्र महाराज ने चलने का मन ही बना लिए कि नहीं नहीं महल में हमारा गुजारा आखिर कब तक होगा, जाना तो पड़ेगा ही। आज अपने मन को पूरा कठोर कर लिया, हे राघव अब मुझे अपने मोह पाश में और मत बांधो, राघव मुझे जाने दो। देखा भगवान ने कि बाबा का पूरा मन ही है अब जाने का, तब भगवान राम ने भी प्रार्थना किया कि गुरुदेव यह कृपा बनाए रखना, कभी भी आपको आवश्यकता पड़े बाबा मुझे जरूर याद करना। महाराज अवधेश भी वहां आए, तीनों रानियों के साथ वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहा कि हे नाथ मैं सेवक समेत सुत राम, पत्नी बच्चों समेत आपका सेवक हूं बाबा, कभी भी आवश्यकता पड़े आधी रात को भी मेरे द्वार पर आना और ये प्रेम हमारे बच्चों पर हमेशा बना कर रखना बाबा, करब सदा ललिकन पर छोक और नम आंखों से विश्वामित्र महाराज को विदाई दी। विश्वामित्र महाराज भी आज इतने महीनों के बाद भगवान राम से दूर हो रहे थे, पीछे घूर घूर कर बार बार
प्रभु को निहार रहे और भगवान राम विश्वामित्र जी को विदा करके आए यहां पर बाबा तुलसी जी बाल कांड के प्रथम सोपान को भगवान के चरणों में विराम किया। निज गिरा पावनी करण कारण निज गिरा बात के अति से बचना चाहिए। ना अति खाओ,
न अति सो, न अति बोलो, न अति चलो, न अति क्रोध करो और न ही अति प्रेम, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज है। किसी भी बात की हद, किसी भी बात की अति उसके दुख का कारण होता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, किसी भी व्यक्ति वस्तु की अति कर दोगे ना तो आपको वहीं से दुख लगने लग जाता है। अब जैसे लड्डू खाने में अच्छा लगता है, लेकिन कितना, दो खा लो, चार खा लो, दस खा लो, बीस खा लो, उसके बाद तो फिर ऐसी अवस्था आती हॉस्पिटल भागना पड़ेगा खा खा कर। हद से ज्यादा कुछ भी ठीक नहीं है, एक हद तक बस, हद से ज्यादा हुआ तकलीफ शुरू। अति क्रोध बुरा है तो अति प्रेम भी बुरा है। आप सोच रहे होगे अति प्रेम कहां बुरा है, ज्यादा प्रेम हो अच्छी बात है हा? लेकिन आप खुद ही सोचो, कोई आपका मित्र आपको बड़ा प्यार करता है और बहुत सालों से अपने घर आपको बुला रहा हो और आपके पास समय ना हो, एक दिन अचानक आप उसके घर पहुंच ही जाए और वो आपका मित्र आपको देखकर इतना खुश हो जाए, दौड़कर आपको गले लगा ले, बाहों में भर ले आपको कि अरे मित्र इतने वर्षों के बाद, यहां तक आपको बहुत अच्छा लगेगा हा? लेकिन वो गले लगाए और चार घंटा छोड़े ही ना, लगाए ही रहे गले, चिपका ही रहे, पुलिस को बुलाना पड़ेगा छुड़वाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि जो प्यार था अब वो मुसीबत बन गया। एक हद तक ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा मोहब्बत भी मुसीबत हो जाती है। इसलिए अति सर्वत्र वर्ग है, युवाओं को अतियों से सावधान होना चाहिए, जहां अति आई वहां दुख है। इसलिए युवानी में संयम की बहुत आवश्यकता है और संयम का दर्शन करना है तो भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन करो। क्या संयम है भोलेनाथ के दरबार में, कोई भी इंद्रिय निरंकुश नहीं, सिंह और बैल दोनों भोलेनाथ के दरबार में, चूहा ज्यादा उपद्रव ना कर सके इसलिए गले में सर्प डाल रखा है कि चूहा भी अपनी मर्यादा में रहे हा? बैल नंदी भी ज्यादा उपद्रव ना कर सके इसलिए माता दी शेरावाली का शेर, और फिर सर्प भी अनकंट्रोल ना हो जाए इसलिए कार्तिकी का वाहन है मोर, पूरा बैलेंस है। युवाओं को भगवान शंकर से शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन में सभी इंद्रियों का बैलेंस कैसे करना है भोलेनाथ से दर्शन करो। क्या बैलेंस किया है भोलेनाथ ने अपने जीवन में, हाँ, विष की अति गर्मी परेशान न करे इसलिए सिरोधार्य कर लिया गंगा को, दोनों का बैलेंस। और सबसे बड़ा बैलेंस किया भोलेनाथ ने विष को, जहर को न बाहर उगना न भीतर निकले, कंठ में धारण कर लिए, कंठ ही नीला हो गया, नाम ही पड़ गया नील कंठ, लेकिन अंदर लेते तो अंदर भगवान बैठे थे तकलीफ उनको होती, बाहर छोड़ते तो शायद धरती पर रहने वाले सारे जीव जल जाते। इसलिए भोलेनाथ ने क्या बैलेंस किया है, बैलेंस का मतलब है संयम। न कि भूखे रहो न कि भोजन करो, सीधी सी बात, न पशु हो जाओ न पागल हो जाओ, जीवन में बैलेंस। न बहुत क्रोध करो और ना ही बड़े सज्जन होता, कभी कभी क्रोध भी जरूरी है और कभी कभी सज्जनता भी जरूरी है।
जब जीवन में इन सब तत्वों का बैलेंस होता है ना, तब हमारा जीवन ज्यादा आनंदी होता है, तब हमारा लक्ष्य मोक्ष की ओर होता है, जब जीवन में बैलेंस होता है। ना अति भूखे रहो ना अति भोजन करो। हम कई लोग ऐसे होते हैं इतना खाते हैं, और वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सप्ताह में पांच पांच व्रत करते रहते हैं। कभी सोमवार व्रत है, कभी शुक्रवार व्रत है, कभी शनि महाराज का व्रत है, कभी मंगलवार, कोई ना कोई व्रत चलता रहता है। अरे भूखे रहने से भगवान मिलते हैं ना भाई, तो नेताओं को पहले मिल जाते जो अनशन करके बैठ जाते हैं। भूखे रहने से भगवान मिलने वाले नहीं। न अति खाओ न अति भूखे रहो, जीवन में बैलेंस जरूरी। इसलिए भगवान शंकर को अयोध्या कांड में प्रणाम किया है और वहां से शुरू की है कथा। यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके भारे शंकर भगवान को प्रणाम किया और अयोध्या कांड को यहां से शुरू किया है। काम को नष्ट करने वाले संयम के अद्भुत प्रतीक भगवान श्री, दांपत्य जीवन के आदर्श, गृहस्थ परंपरा के उच्चतम शिखर भगवान भोलेनाथ। देखो गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, शर्त यह है अनासक्त भाव से रहो। तो भगवान शंकर की गृहस्थ जीवन में देखो क्या गृहस्थी है भोलेनाथ की, क्या संस्कार है उनके परिवार में, उनके दाम्पत्य जीवन में, कि प्रत्येक पात्र भोलेनाथ के यहां रहने वाला पूजनीय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा ही नहीं, मां पार्वती की पूजा भी होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा होती है, और दक्षिण भारत की ओर चले जाओ महाराष्ट्र खासकर इन सब एरिया में, तो वहां कार्तिकेय महाराज की पूजा होती है। और यही नहीं, शिव जी के दरबार में रहने वाला नंदी भी आरती उतारा जाता है। और नंदी को छोड़ो, शिव जी के गले में रहने वाला जो शेष नाग है, नाग पंचमी के दिन उसकी भी लोग पूजा कर रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार भोलेनाथ का पूजनीय हो गया। गृहस्थ परंपरा के सर्वोच्च शिखर हमारे भोलेनाथ। ऐसे शिव को प्रणाम करते हुए अयोध्या कांड को आरंभ किया है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हुए भगवान शंकर के स्वरूप का हमें स्मरण करना चाहिए। सत सृष्टि कांडर रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि कांडर रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि
भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके अब अयोध्या कांड को शुरुआत किया। हे जब तेरा राम जाहि घर याद भी होगा। जब तेरा अयोध्या के ऊपर सुख के बादल, पुण्य के बादल और ऐसी सुख की वर्षांत होने लगी। रिद्धि सिद्धियां तो अयोध्या की गलियों से बहने लगी। जब से सिया जो आई ना अपने साथ रिद्धि सिद्धि को लेकर आई, सुख की वर्षांत बरसने लगी। अवध की प्रजा पूरी सुखमय हो गई, कोई कमी नहीं महाराज अयोध्या के अवधेश के जीवन में, दशरथ जी के यहां कोई कमी, सब भरा पूरा हो गया। एक कमी थी, संतान न थी, संतान भी हो गई, चार चार संतान आए, चारों बड़े भी हो गए, विवाह भी हो गया। अब एक कल्पना ही बस है अयोध्या वासियों के मन में कि जल्दी से राम जी राजा बन जाए और यहां महाराज देश का जीवन सुखों से भरता गया भरता गया भरता गया। और मैंने कहा ना कि अति सुख भी कभी कभी हमें दुखी कर देता है, अति प्रसन्नता भी आदमी को कभी कभी उदास कर देती है। महाराज दशरथ के जीवन में बाढ़ आ गई और यहीं से विघटन शुरू हुआ। जब जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाए ना तो व्यक्ति को आत्माराम पुरुष हो जाना चाहिए, आत्मस्थित हो जाना चाहिए, आत्मकेंद्रित हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अतियां कभी कभी हमें बहुत गहरे शोक में ले जाती हैं। बरसात होना अच्छी बात है ना, लेकिन इतना अति हो जाए तो वही बरसात हमको दुखी करती है, रुलाती। महाराज दशरथ के जीवन में सुखों की बाढ़ आ गई, बारिश हो रही ना, बाढ़ आ गई। और एक दिन की घटना बाबा तुलसी ने मानस में लिखा, राय सुबह मुकुर कर लीना, राय मिलो की सुख संगीना।
की एक आदत है, आते ही महाराज सभा में आईना देखते हैं। आईना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सभा के बीच में आईना देखना शोभा भी नहीं देता। भाई घर में लोग आईना देख करके आए वहां तो अच्छा लगता है, लेकिन अब समाज के बीच में, अब यहाँ कथा में बैठा बैठा कोई आईना निकाले जेब से और कंगी वंगी करने लगता शोभा नहीं देता है, अभद्रता होती है। लेकिन महाराज भी करें क्या, आदत हो गई है ना, राज स्वभाव। और आदत कोई भी हो गई, आदत तो आदत होती है, कहीं भी इंसान चला जाए फिर वो आदत छूटती नहीं। महाराज दशरथ की आदत थी आईना देखने की, आज रोज की भांति सभा में आए आईना देखते हैं। और महाराज को दिखाई दिया श्रवण समीप गए सित के साथ, कान के आसपास बाल महाराज को श्वेत दिखाई दिए। महाराज को लगा कि वो लगता है चौथा पन मेरा अब शुरू हो रहा है, वृद्धावस्था के दहलीज पर मेरे पांव पड़ रहे हैं। और महाराज ने ध्यान से देखा तो महाराज का मुकुट भी जरा टेढ़ा था। महाराज ने उससे इशारा लिया कि शायद ये मुकुट हमको इशारा कर रहा है कि अब मैं आपके सिर पर अच्छा नहीं लगता हूं, राजन मुझे राम के सिर पर भेज दो। हर घटना से महाराज दशरथ सीख लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। यदि इंसान सीखना चाहे वही ना तो पूरी प्रकृति ही हमारी गुरु हो सकती है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए, 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा पाई, ज्ञान पाया। पृथ्वी वायु कपोत अजगर इन सबको अपना गुरु माना उन्होंने, 24 गुरु माने। यदि हम ज्ञान के पिपासु हैं तो ज्ञान कहीं भी हमको मिल सकता है, पूरी प्रकृति हमको सिखाने को तत्पर है, लेकिन हम सीखें तो सही। सीखने वाले तो फूल को देख करके भी क्या क्या अर्थ लगा लेते हैं। हाँ, एक वैज्ञानिक वहां से गुजरता है तो फूल में उसको सारा विज्ञान दिखाई देता है। एक महात्मा उधर से गुजरते हैं तो फूल को देखकर उन्होंने क्या क्या नहीं अंदाजा लगाया होगा। आज खिले कल झुक चले परसों बिलिंग धूप, फूल को देखकर सोचा गया ये जो फूल की जो दशा है वही दशा तो हमारी होनी है। फूल कभी छोटा होता है फिर पूर्ण खिला होता है, और खिलने के बाद आखिर फिर वो मुरझाने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि गिर करके धूल में मिल जाता है। ऐसे ही तो मनुष्य का जीवन है, आज खिले कल झुक चले परसों मिलेंगे धूल, देख दशा यूं फूल की तो फिर तो फूलत फूल। ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहे व्यक्ति तो सर्वत्र प्राप्त हो सकता है। महाराज अवधेश ने शिक्षा ली, ये मुकुट टेढ़ा हो गया मतलब अब वृद्धावस्था हमारी शुरुआत हो रही है, अब ये राजपाट मुझे शोभा नहीं देता। और ठीक सोचा तो एक उम्र के बाद मेरे भाई बहन फिर गृहस्थ शोभा नहीं देता, फिर तो वानप्रस्थ हमें शोभा देता है। 50 के उम्र के बाद मेरे भाई बहन जब स्थिति ये आ जाए, आंखों की रोशनी कम होने लगे, पांव लड़खड़ाने लगे, शरीर कमजोर होने लगे, तब उस वक्त की ऐसी स्थिति आ जाए सावधान। दृग दृग ना ही ते दे दे बता बता तुम्हारा Thank you.
आंखों की रोशनी कम होने लगी। सावधान हो जा, कहीं मौत आकर के झपट्टा न मार ले, उससे पहले सावधान, क्योंकि अंत घड़ी में केवल पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता। क्या हिजरी 50 के बाद जब आगे बढ़ो ना, तब मौत की पहली झलक दिखनी शुरू हो जाती है। धीरे 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 वानप्रस्थ हो जाता है। विरति बहु कर्म, संसार के बहुत कर्मों से धीरे 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 वैराग्यवान बनो। छोड़ो दुनियादारी को, अब ज्यादातर भगवान के भजन में मन लगाओ। महाराज दशरथ ने निर्णय ले लिया कि अब ये गद्दी हमको शोभा नहीं देती, अब इसको राम के सिर पर सौंपना चाहिए। तो सर्वानुमति से महाराज ने घोषणा कर दिया कि सुनो अवध के लोगों, कल राम जो राज बनेंगे, राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। और ये बात हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई, राम राजा बने, सबकी यही तो लालसा। आनंद में डूबी पूरी हो, दीप मालाएं सजी, रंगोलियां सजी, वादे राजे बजे, नृत्य संगीत होने लगा, पूरा अवध आनंद में डूबा। शाम होते ही, अंधेरा होते ही पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा गई। लेकिन अयोध्या के ये जलने वाले दीप कुछ लोगों को जला रहे, और वो लोग भी ऐसे नहीं, स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग। इंद्र को भी जलन हुई कि राम जी राजा बन गए तो फिर राम को कौन मारेगा। सरस्वती मैया को बुलाया और कहा, जाकर ऐसी बुद्धि बिगाड़ दो अयोध्या में किसी व्यक्ति की कि राम राजा ही न बन पाए। सुनकर सरस्वती मैया ने भी कहा, इंद्र ऐसी सोच रखे, भगवान राम तुम्हारे कारण धरती पर आए, पर ऐसी सोच तुम्हारी उनके प्रति। लेकिन तब इंद्र ने कहा कि मां, सच ही तो सोच रहा, हर राजा रघुवंश में गद्दी का सुख भोग करके चला आता है, कोई भी समस्या का समाधान तो नहीं करता। और वही बात हमारे राष्ट्र में भी तो है, हमारे देश में भी आजादी के बाद प्रधानमंत्री आते रहे जाते रहे, देश का सत्ता बदलती रही, लेकिन देश नहीं बदला, वैसा का वैसा है। हाँ हाँ, बदला होगा बड़े बड़े शहरों में, गांव तो आज भी वैसे ही हैं। हाँ, देश का विकास तब माना जाएगा जब विकास की यात्रा गांव से शुरू हो, गांव में रहने वाले लोग जब विकसित हों, तब राष्ट्र विकसित होता है। हाँ, क्योंकि भारत के जो प्राण है वो गांव में बसते हैं, भारत का जो आधार है वो गांव के ऊपर है। प्रधानमंत्री बदलते रहे, सत्ताएं बदलती रही, पार्टियां बदलती रही, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन देश वहीं का वहीं खड़ा है। भारत की प्रजा उम्मीदें लगाए देखती रहती है कि शायद ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, लेकिन देश वहीं का वहीं। तब सरस्वती माँ ने जाकर अयोध्या में एक पात्र को चुना, और वो थी मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कर कई तेरी, कद सुपितारी पाव सुकरी, गई गिरा नाम मंथरा मंदमती, कोई गिरा।
नाम ही है मंथरा। बड़े बड़े स्थिर मन वालों के मन को भी जो थर्रा दे, कंपित कर दे, वह है मंथरा। और देखो भाई, मानस में दो पात्र ऐसे हैं जो थोड़ी देर के लिए आए और पूरी कहानी पलट गई। एक है मंथरा और एक है सुरपणखा। दोनों ही थोड़ी देर के लिए आया हूं और पूरी कहानी पलट के चले गए। और मैं तो कहता हूं, राम जी ने रावण को मारा ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन मंथरा का क्या हुआ? मरी कहां गई मंथरा? कहते हैं मंथरा आज भी जीवित है। हाँ, और पहले तो एक ही थी ना। कलयुग में मंथरा ने कई रूप बना लिया है, हर जगह पहुंच गई है। देखना तुम्हारे नवलापुरा में भी होगी एक तो मंथरा। हाँ, गांव गांव बैठी। और पता है मंथरा होती कौन है? जो घर में आग लगा। और आती कब है मंथरा? जब सास घर पर न हो या बहू घर पर न हो, और दोनों में जो मिले उसको ही भड़का देती है। सास मिल जाए तो सास को भड़का देती है, राम राम राम, ये उम्र है तुम्हारी कोई काम करने की? बड़ी सीधी हो जाएगी। बहू कहां गई? फिर मार दी गई। ऐसे भड़का देती है सास को। और कभी बहू मिल जाए, बहू को देख करके है कि राम राम राम, कितनी सीधी है बिचारी। देखो भगवान ऐसी छोरी सबको दे, कितना काम करती है, फिर भी इसकी सास जन्म मिलेगी बुराई ही करती है। बहू पूरा एटम बम बन करके बैठी होती है, सास आते ही उसके ऊपर फूटती है। फिर ऐसी मंथराओं से सावधान रहना माताओं, क्योंकि मंथरा हर जगह, गांव में भी आ गई है मंथराएं। मंथरा ने जाकर कहे गई मां की ऐसी बुद्धि बिगाड़ी। भगवान राम को इतना प्रेम करने वाली कहीं कई मां दशरथ जी के खिलाफ खड़ी हो गई, राम जी के खिलाफ खड़ी हो गई। महाराज तो बड़े खुश होकर गए थे कैकेयी के पास कि समाचार अपनी प्रिय रानी को बताऊंगा, कितनी खुश होगी। कैकेयी मां तो बड़क गई, कही हे तो रानी रिसानी पर सत जैसे कोई सर्पिणी पुकार भरने लगे, ऐसे ही कई कई ने महाराज की आंख को ढक दिया कि खबरदार छूना नहीं मुझे। भरत जैसे संत की माता को बाबा तुलसी ने सर्पिणी से उपमा दे दी, क्योंकि आज बच्चों की परवाह नहीं है। कई कई मां जब सर्पिणी भूखी होती है ना तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। और फिर तो आप जानते हैं कई कई मां ने महाराज के वचन मांगने के बहाने से दो वरदान मांगे। संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं क्योंकि अन्य कथाओं का भी उनको दर्शन करना है। और दो वरदान ऐसे हैं जिस वरदान के कारण पूरी कहानी पलट गई।
और वह दो वरदान ऐसे हैं जिसके कारण भगवान गद्दी पर बैठने वाले हैं लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाएंगे। अयोध्या 14 वर्ष अनाथ हो जाएगी, महाराज अवधेश की मृत्यु हो जाएगी और तीनों माताओं के मांग का सिंदूर चला जाएगा और उसके कारण बने हैं यह दो वरदान। लेकिन आज ही भगवान विवाह करके लौटे हैं ना, आज ही बन भेज देना तो अच्छी बात नहीं है। आज तो प्रभु को अयोध्या में रहने दो, कल फिर कथा आगे बढ़ेगी, 12 बजे फिर मुलाकात होगी। आज की कथा यहाँ पर हम विराम करते हैं, कल 12 बजे फिर मुलाकात। और मैं क्षमा चाहूंगा कि आज आप लोगों को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि सीधे मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, थोड़ा कुछ अचानक अर्जेंट काम से जाना पड़ा था, लेकिन आते ही मैं सीधे यहाँ मंच पर आया हूँ, तो क्षमा चाहूंगा इसलिए। लेकिन कल ठीक समय से कथा शुरू हो जाएगी। आइए कथा विराम करने से पूर्व 1-2 मिनट के लिए हरिनाम सुनने भाव प्यार से। मेरे तो आधा सीताराम के भारत
कर्पूरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओ ये श्री राम मन को खाली करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद लेते ही अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 12 बजे कथा शुरू हो जाएगी। आप सभी लोग 11:30 बजे मेरे लायक ही नहीं, ये तो मेरे बेटे ने मुझे बनाई है, तो ये सम्मान कुछ बापू जी के लिए जाने के लिए मार्ग बना है। मार्ग में कुछ बापू जी का चरण स्पर्श नहीं करेंगे, दूर से ही सभी लोग प्रणाम करेंगे। सभी लोग अपने घर की ओर प्रस्थान के करबद्ध तरीके से शांतिमय तरीके से प्रसाद लेके नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माताएं अपने कीमती गहनों का विशेष ध्यान रखेंगी, भाई लोग भी अपने पर्स इत्यादि